Okay, let's talk about the second property, which is going to be for so refraction basically means the bending of waves, right? Yes. क्या हुआ, थक गए? नहीं. अच्छा, मुझे लगा शायद थक गए, बहुत ज्यादा पढ़ लिया। ओके, तो रिफ्रैक्शन बेसिकली मींस द बेंडिंग ऑफ लाइट, ओ सॉरी, वाटर वेव और एनी काइंड ऑफ वेव। सो व्हाट इज द रीजन एंड हाउ लाइट इज और सॉरी वाटर वेव इज गोइंग टू बी बेंड इन दिस सिचुएशन। टू ऑब्जर्व के अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास नॉर्मल स्टेट में हम देख रहे हैं, और वो ऑब्जेक्ट को अगर हम एक अगर नॉर्मल पेंसिल की एग्जांपल हो, और अगर हम उसको एक वाटर ग्लास में रखते हैं, तो वहां पर हाँ, क्या तो उसकी होता उसका शेप थोड़ा चेंज होता है. है? ठीक है, यस. बेंडिंग, राइट? तो बेंडिंग के लिए सबसे जरूरी पार्ट हमारे पास क्या है कि हमारा मीडियम चेंज होना चाहिए, ठीक है? यस. तो मीडियम चेंज होगा तो वेव का मूड भी चेंज होगा, ठीक है? तो उसमें भी थोड़ा सा चेंज आएगा। तो अब हमारे पास हमें वेव का मीडियम चेंज करना है। तो मीडियम चेंज करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि मीडियम्स किस तरह के होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो डिस्कस अबाउट द मीडियम। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम इन रिफ्रैक्शन और फॉर वेव इन विच वेव आर गोइंग टू बी ट्रेवल। And the second one is the denser one, right? Yes. ठीक है। और डीप वाटर पसंद है आपको या रेयर वाटर पसंद है? पता पता नहीं, अगर स्विमिंग पूल में कोई धक्का दे दे तो क्या रिएक्शन होगा आपका? उनको मारने का. तो इसका मतलब है कि आपको शैलो वाटर पसंद है, ठीक है? मतलब लाइट लाइट वेव हो और हाइट कम हो, डेप्थ कम हो, तो डेट इज वेरी फाइन। ज्यादा डीप में जाते हैं तो अक्सर होता है कि सी साइड पे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं या डर लगता है पानी से कि पता नहीं कितना डीप है, ठीक है? तो जब हम उस डीप और रेयर वाटर में जाके हमारी इंटरनल स्पीड चेंज होती है, तो वेव्स में तो फिर बहुत चेंज आना चाहिए, ठीक है? तो अब हम उस चेंज की अगर बात करें, तो फर्स्ट डिस्कस अबाउट व्हेन ट्रैवल फ्रॉम देयर टू देन। फर्स्ट पार्ट अगर हम बात करते हैं रेयर टू डेंस मीडियम की, रेयर टू डेंस, Air is the rare medium and water is dense. वाटर इज डेंस, जबरदस्त। ओके, एयर इज रेयर एंड वाटर इज डेंस, और एनी डेंस मटेरियल वी कैन कंसिडर हेयर विच इज गोइंग टू बी हैवियर देन वाटर, एनी ग्लास मटेरियल, एनी वाटर मटेरियल। तो यस, ऑयल एंड फ्लूइड और एनी ग्लास मटेरियल। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वाटर वेव, तो हम वाटर पर चलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम वाटर वेव्स की अगर बात करें, और हमें सबसे पहले बेसिक आइडिया ये होना चाहिए कि हमें पहले दो मीडियम्स को ड्रॉ करना है, ठीक है? पहले हम बीच में बॉर्डर बनाते हैं, आपके पास सेपरेशन लाइन आ गई है, और ये हमारा रेयर मीडियम हो गया, और नेक्स्ट हमारा जो है वो डेंस मीडियम होगा। पार्टिकल अरेंजमेंट ड्रॉ करना. आपने देखो, हमारे पास तो प्रोसेस में ड्रॉ कर आएगी, ठीक है? हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे कि सब कुछ ही हम बनाए अपनी मर्जी का। तो फिर हम पेपर भी अपनी मर्जी का सेट करेंगे, मार्क्स भी अपनी मर्जी से लेंगे, जब हमने सब ड्रॉ करना है, ठीक है? तो अभी सब ड्रॉ करना है, अगर मैं आपको रेडीमेड डायग्राम दिखाऊंगा तो इतना अच्छा समझ ना आए शायद आपको। तो पहले हमने सेपरेशन बना दिया, एक साइड पे डेंस मटेरियल, एक साइड रेयर, ठीक है? और लेट सपोज अगर वेव्स यहाँ से ट्रैवल करती है तो हमें एंगल मेजर करना है यहाँ पर। तो एंगल मेजर करने के लिए सबसे पहली लाइन कौन सी ड्रॉ करनी चाहिए उसके? एंगल
एंगल ऑफ इंसिडेंस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रिफ्लेक्शन एंगल एंगल ऑफ, हाँ रिफ्लेक्शन तो हम पढ़ ही नहीं रहे। रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, लेकिन वो एंगल मेजर कैसे करेंगे? अभी ऊपर कैसे मेजर किया था? नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट लाइन ड्रॉ भी कर दी थी हालांकि मैंने, फिर भी आपने नहीं बताया कितनी गलत बात है। तो ये नॉर्मल लाइन आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम यस। इससे आइडिया लगा सकते हैं कि लाइट या वाटर वेव बेंड हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो अगर वाटर ओके, वेव बिल्कुल स्ट्रेट आ रही हो, लेट सपोज वाटर वेव यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, ठीक है, और स्ट्रेट आने के बाद अब उसका मीडियम चेंज होना है, ठीक है। अब उसका मीडियम यस, चेंज होने का मतलब ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में बेंड होगा, ठीक है। अब यस, ये देखना है कि वो अपसाइड जाएगा नॉर्मल के या डाउन साइड जाएगा, तो हमें ये यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। तो क्या आप बता सकते हो किस साइड पर जाएगा? नहीं टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे नॉर्मल? away from the normal. अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके। तो आप कह रहे हो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर एक रैंडम एंगल ड्रॉ करूँ, और कौन सा कलर चूज करें? सारे कलर्स आ गए, और ये शिफ्ट कर लेते हैं, नहीं ये डार्क है, लाइट ब्लू भी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज आर एंगल, ठीक है, एंड वी कैन मेजर यस, दिस एंगल विद द हेल्प ऑफ आर नॉर्मल, राइट। सो दिस इज आर एंगल ऑफ इंसिडेंस। पर हम लोग ऊपर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऊपर से, ऊपर से कहाँ से? एक मिनट में ये वाटर वेव को थोड़ा हटाऊं यहाँ से। अब बताओ किस साइड से कह रहे हो एंगल? जिधर से आपने इंसिडेंट रे ड्रॉ किया उधर ऊपर से, जिधर रेड लिखा हुआ है यहाँ उधर से से, भी ड्रॉ यहाँ कर सकते हैं। से तो नहीं कर दूँ। नहीं नहीं लाइक टुवर्ड्स द नॉर्मल ऊपर से। हाँ अच्छा, एरो पर कर दूँ? नहीं, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हाँ, अच्छा मैंने एक हम मिनट लोग दोबारा करता हूँ, ये सब हटा दिया मैंने। अब दोबारा से ड्रॉ करते हैं, ये हमारी नॉर्मल लाइन है स्ट्रेट। अब बताओ आपके पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, राइट। पर दूसरी साइड से भी बना सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन अभी आप ऊपर देखो हमने केस क्या लिखा, रेयर टू डेंस, तो हम ओके, रेयर टू तो डेंस लेस, लेंगे, ठीक है। तो हम डेंस टू रेयर यस, के बाद ड्रॉ करेंगे, ओके। तो ओके ओके, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, डबल मेहनत करा दी, फिर से ड्रॉ करवाइए डायग्राम, ओके। तो अब हमने ये देखना है कि नेक्स्ट ये कहाँ पर बेंड होगा, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और इसके यस, आपने ये याद रखना है कि व्हेन वाटर वेव्स आर मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंस, सो इट विल बी गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। यस, तो अब अभी आप यहाँ पे क्लियरली ये देख सकते हो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस और शॉर्टर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं एक सिंपल सी बात कि जब भी लाइट रेयर टू डेंस, सॉरी वाटर वेव रेयर टू डेंस मूव करेगी, ठीक है, तो आपके पास जो मेन आइडिया होगा वो ये होगा। चलो मैं यहाँ कंप्लीट लिख देता हूँ, व्हेन वेव्स पास थ्रू रेयर टू डेंस मीडियम, रेयर टू डेंस मीडियम
वेव्स विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. ओके, दिस यस इज द मेन आइडिया, बेंड्स टूवर्ड. अगर बेंड्स नॉर्मल मतलब के अभी आप देखो कि ओके 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 यस डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है. अगर मैं इसको स्ट्रेट चेक करूं तो इसे यहाँ जाना चाहिए था, ठीक यस है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं गई, ये बैंड हो गई, ठीक है. यस तो ये आपके पास एक फर्स्ट आइडिया हमें मिला, और ये फर्स्ट आइडिया आपके पास ये मिला कि जब लाइट पास, सॉरी, लाइट की जगह वेव पास करेगी, दूसरी जगह मैं लाइट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो लाइट ही मेरे माइंड में ज़्यादा आ रहा है. तो वेव जब पास होगी तो, क्योंकि वाटर और दोनों ट्रांसवर्स ही है, तो वेव्स कोई भी हो, तो वेव जब भी रेयर टू डेंस पास होगी, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट. और यस अगर इसकी ऑपोजिट डायग्राम बनानी हो तो उसमें वेव्स कहाँ पास होगी? लाइक डेंस टू रेयर डेंस टू रेयर, जो अब आप पूछ रहे अवे थे, फ्रॉम द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है. तो पानी से डर लगता है, इसलिए आप डेंस टू रेयर की बात जल्दी कर रहे थे. तो हम अगर डेंस टू रेयर की बात करें तो डेंस टू रेयर, अब उसकी डायग्राम तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना. यस ओके, तो मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइंट अभी लिख देता हूँ, और डायग्राम हम नेक्स्ट में ड्रॉ कर लेंगे, या आप ड्रॉ करके दिखाना, और देखते कौन सी डायग्राम ड्रॉ करता है. ओके वेव विल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स और दी फैक्टर्स फॉर दी रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, राइट. यस तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि लाइट, सॉरी, वाटर वेव जो है वो जब रेयर टू डेंस जाएगी तो वो बेंड्स टूवर्ड नॉर्मल होगी, और जब बेंड होगी वो आपके पास डेंस टू रेयर, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, ठीक यस है. ओके, तो ये एक आइडिया याद रहेगा. रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया, रिफ्रैक्शन क्लियर हो गया. यस बस एक लास्ट चीज जो रिफ्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बोल के इतने सारे टॉपिक पढ़ा दिए, और वो आपके पास जो इसमें तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, अगर आप कंपेयर करते हो रेयर और डेंस को एक बार से, तो इसमें तीन करेक्टरिस्टिक, देयर आर थ्री करेक्टरिस्टिक ऑफ वेव व्हिच वी हैव टू डिस्कस इन बोथ रीजन रेयर एंड डेंस. फर्स्ट वन इज अबाउट द स्पीड ऑफ वेव, राइट. सेकेंड वन यस इज फॉर वेवलेंथ. आइडेंटिफाई करते हो ना सिंबल, यस लैम्डा लैम्डा. थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी. ओके, सो ये तीन फैक्टर्स को हमने यहाँ पर चेक करना है कि इनमें क्या चेंज आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत आपको आपकी वर्कशीट में मिलेगा. तो जब आप ये वर्कशीट सॉल्व करोगे तो आपको काफी क्वेश्चंस में इन पॉइंट्स से हेल्प मिलेगी. तो अगर हम फर्स्ट बात करें रेयर में, तो रेयर मीडियम, अगर आप सी साइड की एग्जांपल लो, तो जब वाटर वेव्स जनरेट होकर आती हैं ओरिजिन से, तो हमें लगता है कि बहुत हैवी वेव वहां से जनरेट हो रही है, राइट. लेकिन जैसे जैसे वो आपके पास कॉर्नर पर आती है, बीच आपके पास सी व्यू तक कंप्लीट, वो लास्ट एंडिंग पॉइंट पर आती है, तो वो वेव बिल्कुल फ्लैट हो चुकी होती है, राइट. और आप यस जितना वाटर में डीप जाने की कोशिश करो, उतना आपको जो है वो ऑपोजिट फोर्स मिलती है. इसका मतलब है डीप में आपके पास स्पीड ग्रेटर होगी या रेयर में? डेंस डेंस में हाई स्पीड, राइट, यस एंड द रेयर वन हैज लो स्पीड. व्हाट अबाउट दी वेवलेंथ, मतलब वेव, रेयर हैज मोर वेवलेंथ ये क्या बात हुई, नहीं वेव कहाँ जनरेट होगी? रेयर हैज लेस वेवलेंथ
लेस वेवलेंथ, ठीक है, और शॉर्टर वेवलेंथ यू कैन से दैट, ठीक है। यस आप बैलेंस कर रहे थे कि एक पॉइंट उसको मिला तो एक पॉइंट इससे दे देते। नहीं ओके, तो ग्रेटर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों में सेम होगी, ठीक है। तो यस ये आपने 3 पॉइंट्स इसको याद रखना है, ठीक है। और फिर जब नेक्स्ट हम ओके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो मैं फ्रीक्वेंसी भी बताऊंगा सेम क्यों हो जाती है वहां पर। तो ये आपके पास जो है वो कंप्लीट फैक्टर्स हैं जो कि आपने याद रखने, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के उसमें आप